बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय खत्म हो गया, थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। बाढ़ की वजह से पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, इतनी खराब स्थिति है कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरियल सर्वे जरूर कर रहे हैं लेकिन इसका कुछ अंजाम सामने निकल कर नहीं आया। दुबई से लौटे अशोक चौधरी ने बताया कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे हो गई, बाढ़ इतना बिहार में क्यों आ गया, क्यों लोग इतने परेशान हो गए, कोसी और गंडक बराज को क्यों खोलने की जरूरत पड़ गई। तो दुबई से लौटे अशोक चौधरी ने बताया कि हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। दरअसल जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जल संसाधन विभाग है, ये इस काम के लिए तैयार नहीं थी, तो वाजिब तौर पर बाढ़ तो आएंगे ही, सरकार ने कुछ तैयारी ही नहीं कर रखी थी। अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद चहेते, इतने दिनों से सरकार में है लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी, इस बात को खुद अशोक चौधरी ने कहा है। अशोक चौधरी ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विभाग की पोल खोल दी है। अशोक चौधरी ने कहा कि अभी जैसा वक्त है इस वक्त हम तैयार नहीं थे, हमें लगा बाढ़ आएगा ही नहीं। अशोक चौधरी जी, आपकी सरकार को या आपके विभाग को कैसे ऐसा लगा कि बाढ़ आएगा ही नहीं? हर साल बिहार में बाढ़ आता है, कुछ न कुछ इलाके क्षतिग्रस्त होते हैं और उसके बाद फिर से नए सिरे से शुरुआत की जाती है, लेकिन इस बार जब ज़्यादा बाढ़ आ गया तो बिहार सरकार तैयार ही नहीं थी इसके लिए। आप सुनिए अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। हर साल आगमन होता है और अपने जो बिहार के और देश के जो महापुरुषों उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी को उनसे सीख लेने के याचना करते हैं, प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको देखे कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग दिया। सर बात की जाए बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है लेकिन तेजस्वी यादव 2008 की याद दिला रहे हैं पोस्ट करके कि सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँची थी और मनमोहन सिंह पहुँचे थे लाल यादव। देखिए ऐसा है कि बाढ़ पे जो माननीय नेता ने SOP बनाया है, कोसी की जो क्रासदी हुई थी 2008 में और कोसी क्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि क्रोसी क्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटल्या बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे लोग कहते थे क्विंटल्या बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया SOP तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस SOP को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझते 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कोसी, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी, ठीक है कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ ख़त्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय ख़त्म हो गया, थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको DBT ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है बजट है उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7,000 रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है, हर लोगों को भोजन हमारे यहाँ चल रहा है, तो पूरी व्यवस्था हमारे पर परिस्थितियाँ, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब करीब 30% रेन डिफिसिट है लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, तो परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है, लेकिन UPA की सरकार जिसको RJD आज करा, अगर ये संभल जाती और UPA की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता। ये प्रशांत किशोर पार्टी। देखिए अब हर एक व्यक्ति कभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है,
प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किए उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए, पता नहीं क्या कारण रहा। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं किए, फिर 15 में हमारे लिए काम किए, फिर 16-17 में सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब उनके मन में इच्छा है कि हम राजनीति भी करें, जब हम राजनीति दूसरे के लिए कर सकते हैं तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब वो आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता है, मदद करता है कि नहीं। आपने देखा कि साफ तौर पर अशोक चौधरी ये कहते नजर आए कि जिस तरीके का बाढ़ आया है, इस बाढ़ के लिए सरकार तैयार नहीं थी, सरकार ने कुछ काम नहीं कर रखा था, इसलिए इतनी क्षति हुई है। अगर सरकार की तैयारी होती तो इतनी क्षति नहीं होती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।